मैं उस टेक्नोलॉजी को पहले पूरा सीख लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो देन यू आर थिंकिंग रॉन्ग। तो अपनी जो आप स्किल्स बताओगे, टेक्नोलॉजी बताओगे जो आपने यूज़ करी है, वो आपसे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ही चीज़ें पूछेंगे। बट बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं सोचना है कि यार रिकर्जन ऐसे ऐसे कॉल हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अनदर वीडियो बाय कोडिंग निंजास। दिस इज विक्रांत एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोड मैप फॉर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एंड डेवलपमेंट दिस समर। सो लेट्स बिगिन। सो द वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर सीइंग द रोड मैप इज कि ये रोड मैप एकदम बेसिक से बनाया गया है। सो इफ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द बेसिक्स और आपने कुछ टॉपिक्स में पहले से कवर कर रखे हैं मतलब, तो आप उसके आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द DSA फर्स्ट। सभी को पता है, एवरीबडी नोज दैट DSA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्लेसमेंट, राइट? इसलिए तो हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको DSA से ही स्टार्ट करना चाहिए। अब बात आती है कि DSA को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग, तो मैं उस हिसाब से रोड मैप बता रहा हूँ। तो अगर आपको DSA स्टार्ट करना है तो आपको किस हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, किस फ्लो में पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। सो नाउ लेट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू पिक अ लैंग्वेज एंड स्टार्ट लर्निंग बेसिक्स। अगर आपको DSA सीखना है, राइट, आपने अपना मन बना लिया है, तो उस सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज तो चूज करनी पड़ेगी ना कि आपको किस लैंग्वेज में DSA सीखना है। इट कुड बी आइदर C++, जावा और पाइथन। इन तीनों में से ही अपनी कोई लैंग्वेज चुनना, क्योंकि इन तीनों में से आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में भी जा सकते हो और इन तीनों में ही सबसे ज्यादा स्कोप है आगे भी। कंपनीज में भी मेजरली जब आपके कोडिंग राउंड भी होंगे, हर चीज होगी, इंटरव्यूज में भी आपसे इन तीन लैंग्वेजेस के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए यू हैव टू पिक अ लैंग्वेज एंड स्टार्ट लर्निंग बेसिक्स। लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है C++, जावा एंड पाइथन। यू कुड चूज एनी वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम। मल्टीपल के लिए मत जाना, एक ही चीज को मास्टर करो, इट इज मोर देन इनफ। नाउ अब बात आती है बेसिक्स में, अगर हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। तो उसमें आता है आपके डेटा टाइप्स, आपको पता होने चाहिए। इफ एल्स मतलब किस हिसाब से यूज करते हैं, लूप्स आपको पता होने चाहिए, फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, सम बेसिक पैटर्न क्वेश्चंस आप कर लो तो आपके बेसिक कवर हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बेसिक पे ही टाइम देता रहूंगा, नो, देन इट विल नॉट बी गुड इनफ फॉर यू। इसलिए अपना आप लैंग्वेज चूज करिए और ये सारे बेसिक्स आप लैंग्वेज में सीख लीजिए कि किस हिसाब से हम इनको यूज करते हैं, किस हिसाब से इनका सिंटैक्स है, ये सारी चीजें आप सीख लीजिए। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर वन फॉर द DSA। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। यू हैव टू लर्न बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि आप कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे होगे ना, कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे होगे, आप उसमें कुछ ना कुछ तो बेसिक चीजें यूज कर ही रहे होगे, राइट? और आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया स्टार्टिंग से ही लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत बाद में सोचोगे ना कि मैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बाद में कर लूंगा, नहीं, बाद में नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब आप बीच में इतने सारी चीजों को सीख रहे होगे, आप कोडिंग प्रॉब्लम्स भी लगा रहे होगे, राइट, तो उसमें आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा एफिशिएंट सॉल्यूशन बनाने में। दैट्स व्हाई इट इज इंपेरेटिव कि आप ये स्टार्टिंग से ही सीखें। अब बात आती है कि हम ये इनमें हमें क्या क्या सीखना है। लाइक आपको एरेज पता होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, राइट? आप बेसिक भी प्रोग्राम बनाओगे, आप कहीं ना कहीं एरेज का मेबी यूज कर रहे होगे, स्ट्रिंग्स का यूज कर रहे होगे, 2D एरेज, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, बाइनरी सर्च एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये था आपका सेकंड पॉइंट कि जो आपको सारे कवर अप करने ही करने हैं और बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे, इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज रिकर्जन। रिकर्जन को आप स्टार्टिंग में ही करके चलें, जब आप अपनी कोडिंग आप धीरे धीरे बना रहे हो कोडिंग की प्रैक्टिस, तो रिकर्जन को आपको स्टार्टिंग में ही करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके जो रिकर्जन बेस्ड ही होंगे और बहुत सारे जो आपके एडवांस क्वेश्चंस होंगे लाइक DP में, तो आप DP जब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आपने रिकर्जन मास्टरी नहीं कर ली रिकर्जन में। दैट्स वाई कि रिकर्जन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना ही करना है अच्छे से। इसे अच्छे से टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत कई बार ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है, राइट? बहुत सारे दोस्त हैं रिकर्जन मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। बट जहाँ रिकर्जन में आपको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करने लगोगे ना आप, तो वहीं पर आपके लिए रिकर्जन कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए बेसिक जरूर पढ़ना है रिकर्जन का कि किस हिसाब से फंक्शन चलता है, बट बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं सोचना है कि यार रिकर्जन ऐसे ऐसे कॉल हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, इतना ज़्यादा डीप में जाने की सोचने की जरूरत नहीं। सिंपली अपना रिकर्जन पढ़िए, इसमें बेसिक रिकर्जन क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम्स भी देखिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। ओके, तो ये भी चीज़ आपको देख लेनी है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि इसमें आप रिकर्जन यूज़ कर रहे हो। ओके, और ये बहुत
अच्छे से सॉर्टिंग एल्गोरिदम से जो आपको पता ही होने चाहिए। आप बाद में करोगे, इससे बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही करके चलो ना सारी चीजें। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बट प्लीज डोंट इग्नोर देम, दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर आप एकदम से ये सारे कॉन्सेप्ट्स कोडिंग में, हार्ड कोडिंग में यूज नहीं कर रहे होगे, तो ऑब्वियसली आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, आपसे बहुत सारी अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एमसीक्यूज में आते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस। आप जो डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करोगे उसमें आप क्लासेस का यूज कर रहे होगे, तो आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट कि मतलब उस कॉन्सेप्ट होते क्या है। तो उस कॉन्सेप्ट में बेसिक आपको पढ़ना है, क्लासेस आपको पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि किस हिसाब से बनाते हैं, किस हिसाब से यूज करते हैं, एफ सेक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजें बेसिक ऊप्स की पढ़ लीजिए एंड दैट इज मोर देन इनफ। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स, यू हैव टू लर्न दोज डेटा स्ट्रक्चर्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तक आप जो कर रहे थे थोड़ा बेसिक बेसिक सा कर रहे थे, राइट, आइडिया ले रहे थे कि किस हिसाब से हमें यूज करना है, बट वो जो आपने अब तक सीखा है वो आप कहाँ इंप्लीमेंट करोगे, वो आप पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स में इंप्लीमेंट करोगे, लाइक लिंक लिस्ट, लाइक स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज। आपने रिकर्जन सीखा, आप रिकर्जन इन सारी डेटा स्ट्रक्चर्स में ही यूज कर रहे होगे, तो इस वजह से आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने इनका बेसिक पढ़ लिया है देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट 10 to 15, एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस, कोडिंग प्रॉब्लम्स। ईजी और मीडियम ही करना, हार्ड मत करना, स्टार्ट विद ईजी एंड सम मीडियम क्वेश्चंस एज वेल। इससे आपने लिंक लिस्ट पढ़ लिया तो आपको इम्प्लीमेंट करना भी आ जाएगा अगर आपने साथ साथ ही क्वेश्चंस और लगा लिए। 10 to 15 क्वेश्चंस इज मोर देन इनफ टू गेट द बेसिक्स, और आपको पता चलेगा किस हिसाब से हम यूज कर रहे हैं कोडिंग प्रॉब्लम्स। ओके, दैट इज द मेन पॉइंट। तो ये आपको कवर करना है, यहाँ से आपका मेन डेटा स्ट्रक्चर जो पार्ट आपके कोडिंग प्रॉब्लम में यूज होने वाला है वो सारी चीज़ें आपकी यूज स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको ये पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर जरूर पढ़ने हैं, देर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दैट। ओके, इसके बाद आपने जब ये पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर कर लिए हैं, इसमें क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं, देन यू हैव टू लर्न एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। अब एडवांस में डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आती है, हीप्स, प्रायोरिटी क्यूज, ओके, हैश मैप्स, ट्राइज, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। अब जैसे मैं ग्राफ्स की बात करूँ तो उसमें आपको BFS DFS आना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे कवर करते चलोगे और इन पे क्वेश्चंस भी लगा लोगे देन यू विल बी वेरी गुड एट दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। अब हार्ड प्रॉब्लम तो हम बाद में करना है, बट उससे पहले आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पता तो हो कि ये चलता कैसे है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कोडिंग प्रॉब्लम्स में। यही हमारा मोटिव है यहाँ पर लर्न करने का, ये सारी चीज़ों का। देन कम्स द एडवांस एल्गोरिदम्स। आप अब तक जो सब करते आ रहे थे, आपने कोडिंग प्रैक्टिस भी करते आ रहे थे, आई एम अज्यूमिंग कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उस पर आपने एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस लगाए हैं। तो अब तक आपने अराउंड 100 कोडिंग प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर लिए हो, एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि हमें क्वेश्चंस किस हिसाब से करने हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है DP, एडवांस रिकर्सिव एल्गोरिदम। और ये चीज़ें आप तभी सीख सकते हो जब आपने बेसिक अच्छे से करा हो, उस पर प्रैक्टिस अच्छे से करी हो। DP का सोल्यूशन आप तभी बना सकते हो जब आपको रिकर्सिव अप्रोच उसकी पहले से पता हो। दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू यू नो डू ऑल दोज थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो हमने ये सारी चीज़ें करनी है, और सबसे लास्ट में जब आपने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं तो उसके बाद आपको 100 to 200 क्वेश्चंस लगाने हैं, बट अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस। आप 200 ईजी क्वेश्चंस कर लोगे कोई फायदा नहीं है, 200 हार्ड क्वेश्चंस करने का सोचोगे और नहीं होंगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, राइट। तो इसलिए आपको हमेशा मिक्स ऑफ क्वेश्चंस लगाने, ईजी भी लगाने, मीडियम भी लगाने, हार्ड भी लगाने। 10 to 200 क्वेश्चंस करिए एंड देन यू विल बी गुड फॉर TSA। सो दिस वॉज Part 1, दैट हाउ शुड यू लर्न और वॉट इज द रोड मैप फॉर लर्निंग DSA। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डेवलपमेंट पार्ट, क्योंकि DSA के साथ साथ डेवलपमेंट भी हमें सीखना है, राइट। तो डेवलपमेंट में हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। अब द वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे डेवलपमेंट में कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो मैं उस टेक्नोलॉजी को पहले पूरा सीख लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो देन यू आर थिंकिंग रॉन्ग, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, अगर उसको कवर करने में रह गए तो आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे। इसलिए आप उस टेक्नोलॉजी का बेसिक सीखो पहले, आप फ्रंट एंड कर रहे हो, बैक एंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका आप बेसिक सीखो, उसके बाद देन स्टार्ट मेकिंग अ प्रोजेक्ट, स्टार्ट विद अ माइनर प्रोजेक्ट फर्स्ट। उसमें आप बेसिक, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, किस हिसाब से हम चीज़ें यूज कर रहे हैं। इसलिए मेक अ माइनर प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड आफ्टर लर्निंग मैनी थिंग्स देन यू कैन गो फॉर द मेजर प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट में आप चीज़ें सारी यूज कर लोगे, बहुत अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी आप कैसे यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, किस हिसाब से चल रही है। क्योंकि जब अपना प्रोजेक्ट शोकेस करने का टाइम भी आएगा, राइट, आप इंटरव्यू में ही तो अपना प्रोजेक्ट शोकेस करोगे,
अपनी स्किल्स बताओगे कि मैंने ये चीज़ें यूज़ करी हैं, तो अपनी जो आप स्किल्स बताओगे, टेक्नोलॉजी बताओगे जो आपने यूज़ करी हैं, वो आपसे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ही चीज़ें पूछेंगे। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप साथ साथ अपना प्रोजेक्ट बनाते चलें डेवलपमेंट को जब सीख रहे हैं। सो सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई हैव मेड फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड, दीज आर टू वेरी डिफरेंट पार्ट्स। इसलिए एक चीज़ से स्टार्ट करिए और जब वो चीज़ में आप ठीक से कर लेते हैं तो दूसरी चीज़ पे आप स्विच कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फ्रंट एंड पार्ट। फर्स्ट, फ्रंट एंड में आपको सबसे पहले HTML एंड CSS पढ़ना है। ओके, उसमें आपको बेसिक वेब पेज आपको बना लेने चाहिए, माइनर प्रोजेक्ट बना लो, गिट सीख लो। तो ये सारी चीज़ें जब कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा, बेसिक आइडिया तो अच्छे से लग जाएगा कि किस हिसाब से चीज़ें यूज़ हो रही हैं। उसके बाद आता है आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आपको क्या क्या सीखना है, लूप्स आपको पता होने चाहिए, फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, jQuery आपको पता होनी चाहिए, AJAX रिक्वेस्ट आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सीख लीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ। और जब आप अपने प्रोजेक्ट में चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे आप चीज़ें धीरे धीरे सीखते रहेंगे, बट आप टू गेट स्टार्टेड आप सबसे पहले ये चीज़ें पढ़ लीजिए, देन अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ अपना लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स फ्रेमवर्क्स। अब बात आती है किस हिसाब से करना चाहिए। स्टार्ट लर्निंग टू इंटीग्रेट HTML एंड CSS, तो आपने ये चीज़ें सीख ली राइट, तो आपको पता चलने लगेगा कि सारी चीज़ें कनेक्टेड कैसे हो रही हैं, स्टेट्स, रिडक्स, हुक्स, एंड देन मेक अ वन मेजर प्रोजेक्ट। जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि माइनर प्रोजेक्ट से आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग गया, बट मेजर प्रोजेक्ट में आप जब ये सारी चीज़ें मिला के यूज़ करोगे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी का किस हिसाब से यूज़ हो रहा है। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर फ्रंट एंड। नाउ लेट्स कम टू द बैक एंड पार्ट। आई हैव रिटन Node.js, यू कैन लर्न Node.js, रूबी, Django, इट इज़ अप टू यू, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या सीखना है, सेटिंग अप सर्वर, डेटा बेसिस सीख सकते हो, SQL आपको लेना है, MongoDB लेना है, क्यू लेना है, किस लिए लेना है, ये सब चीज़ों के आंसर आपको पास होने चाहिए। अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको इन सब चीज़ों के आंसर मिल भी जाएंगे। डेटा बेस रिलेशन, एसिंक ऑपरेशन, एज आई सेड मेक अ मेजर प्रोजेक्ट ऑन दिस एज वेल। और लास्ट में जो बहुत अच्छा सजेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि प्लीज डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट, लाइव योर प्रोजेक्ट, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट की स्किल्स कहाँ शोकेस करोगे, इंटरव्यू में राइट। अगर आप अपने इंटरव्यूअर को बताओगे दैट यू हैव डिप्लॉयड योर प्रोजेक्ट इज लाइव, देन ही विल बी वेरी इंप्रेस्ड, क्योंकि उसे आइडिया लग जाएगा कि आपने इनफ एज केसेस हैंडल करे हैं, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करा है इसको डिप्लॉय करने के लिए। सो इट विल बी अ वेरी ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर यू, सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। ओके, स्टार्ट मेकिंग अ प्रोजेक्ट एंड साइड बाय साइड आपकी लर्निंग कंटिन्यू होती ही रहेगी। सो दीज वर द रोड मैप्स फॉर DSA एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। आई होप यू हैव लर्न समथिंग, बट द लास्ट थिंग दैट रिमेन्स कि आपको कंसिस्टेंट रहना है इस लर्निंग में। अगर आप कहीं पे भी रुके ना या आपने बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया तो आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी कोप अप करने के लिए। इसलिए आप अपना टाइम धीरे धीरे लेते हुए चले, बट सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली सीखते चले, एंड यू विल बी ग्रेट इन नो टाइम। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू कोडिंग निंजास यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।